गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। माय सेल्फ वीरेंद्र सेठी, केमिस्ट्री लेक्चरर। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 12 साइंस के 10वें लेसन, जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न यानी हैलोजन डेरिवेटिव के अंतर्गत आने वाली नेमिंग रिएक्शन यानी नाम वाली जो रिएक्शन है, जो कि इस सत्र 2020-21 में बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम बचा है उसके अंतर्गत जो शामिल है, वो आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि डार्जन अभिक्रिया, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, स्वार्ट, होन्सडिकर, वुड्स, सैंडमायर, गाटरमान, राशिंग, फिटिंग, वुड्स फिटिंग, उलमान। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो 11 नेमिंग रिएक्शन है 10वें लेसन की, इनमें से एक या दो रिएक्शन जो है वो बोर्ड परीक्षा में सुनिश्चित ही पूछी जाती है, एक से दो नंबर की। तो आज आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आज निश्चित ही एक से दो नंबर जो हैं वो प्राप्त कर लेंगे इस 11 नेमिंग रिएक्शन को याद करके। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पहली रिएक्शन की ओर। पहली रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया जो है वो एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड को बनाने की अभिक्रिया होती है। एल्कोहलों से किसको बनाने की अभिक्रिया है? एल्किल क्लोराइड को। अब एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? देखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2। ये जो SOCl2 है इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे? एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन, पिरिडीन जो होता है वो एक क्षार है C5H5N। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में हम जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, तो ये जो इस प्रकार से RCl, HCl और SO2 ये हमें प्राप्त होते हैं। पहला RCl, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर HCl। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस रूप में मिश्रण में से निकल जाता है। इसी प्रकार HCl भी, हाइड्रोजन जो क्लोराइड है, ये भी गैस रूप में से यहां से निकल जाता है। तो हमें उत्पाद जो है वो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है यानी क्लोरोएल्केन। और इस उत्पाद को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो सह उत्पाद साथ में होते हैं वो गैसीय होने के कारण मिश्रण में से वाष्पित हो जाते हैं। इसलिए एल्कोहलों से जो एल्किल क्लोराइड बनाने की जो विधियां होती हैं उनमें डार्जन अभिक्रिया को प्रायिकता दी जाती है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड बनाने की अभिक्रिया में डार्जन अभिक्रिया को वरीयता क्यों देते हैं, क्योंकि यहां जो एल्किल क्लोराइड के साथ जो प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं वो गैसीय होने के कारण मिश्रण से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमें उत्पाद को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और यहां जो पिरिडीन लिया जा रहा है उसकी क्या भूमिका है? ये पिरिडीन HCl को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, क्योंकि HCl जो है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और पिरिडीन जो है वो एक क्षार है। अब हम चलते हैं दूसरी अभिक्रिया पर, जिसका नाम है फिंकलेस्टीन। फिंकलेस्टीन और ये जो स्वार्ट अभिक्रिया है, दो नंबर और तीन नंबर वाली, ये हैलोजन विनिमय जो अभिक्रियाएं हैं। फिंकलेस्टीन इसमें क्या करती हैं? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड को प्राप्त किया जाता है, यानी क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन से क्या प्राप्त करेंगे? आयोडो एल्केन को। अब इसमें हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, जब हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? सोडियम आयोडाइड से, NaI से। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन यानी कीटोन का प्रथम सदस्य, एसीटोन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये जो हैलोजन है आयोडीन, ये हैलोजन क्लोरोएल्केन के क्लोरीन हैलोजन को, इसी प्रकार ब्रोमोएल्केन के ब्रोमीन हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे हमें यहां
आर आई प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा आर आई, और साथ में यहां एनएसीएल और इसमें एन ए बी आर प्राप्त होगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, फिनक्लेस्टीन। फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया में क्या किया जाता है, क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन की अभिक्रिया जो होती है वो सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, जिससे कि आयोडोएल्केन या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं तीसरी अभिक्रिया की ओर। तीसरी अभिक्रिया है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया भी एक प्रकार की हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, ये जो एल्किल आयोडाइड प्राप्त किया है हमने फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया से, इससे हम एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करेंगे। एल्किल आयोडाइड से एल्किल फ्लोराइड, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड से, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड से करवाते हैं। तो इसमें जो ये हेलोजन है वो इस हेलोजन का प्रतिस्थापन कर देता है, यानी फ्लोरीन जो है वो आयोडीन को प्रतिस्थापित करता है, जिससे कि एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में सिल्वर आयोडाइड। तो एल्किल फ्लोराइडों को बनाने की जो विधि है एल्किल आयोडाइड से, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वार्ट अभिक्रिया। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है, स्वार्ट अभिक्रिया, और ये जो अभिक्रिया लिखी है मैंने वो कौन सी है, फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया। अब हम चलते हैं चार नंबर अभिक्रिया पर, जिसका नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सिल्वर लवण है उनसे हम एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करेंगे, यानी देखिए आर सी डब्लो ए जी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण होते हैं उससे एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किया जाता है, या जो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जो कि एरोमेटिक है उनके सिल्वर लवणों से हम एरोमेटिक जो हेलाइड ब्रोमाइड है वो प्राप्त करते हैं, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण और ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया और उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो अभिक्रिया है इनको हम क्या बोलेंगे, हुंसडीकर अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया होगी कैसे, तो देखिए ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मैंने क्या लिया, सिल्वर लवण लिया आर सी डब्लो ए जी। तो ये जो सी डब्लो है इसके साथ ए जी जुड़ा है, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं एच लगा दूं, तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में समूह एक दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से मैंने आर से पूरी कर दी, तो इसे बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एच को हटाकर मैंने उसकी जगह ए जी जोड़ दिया, तो इसे बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं और उसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से, Br2 से, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, पाइरीन की प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है, बी कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी ये जो CO2 है ये बी कार्बोक्सिलीकृत यानी CO2 निकल जाती है और हमें आर बी आर उत्पाद प्राप्त होता है, आर और एक ये बी आर टू में से एक बी आर, आर बी आर प्राप्त होता है, और साथ में सीओ टू प्लस ए जी बी आर। तो ये एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है कौन सी अभिक्रिया में, हुंसडीकर अभिक्रिया में, यानी हेलो एल्केन और हेलो जो एलिन, हेलो एल्केन में ब्रोमो एल्केन और हेलो एलिन में ब्रोमो एलिन प्राप्त होती है। जैसे कि यहां मान लो मैंने C6H5COAG लिया, तो इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण, और इसकी अभिक्रिया भी ब्रोमीन से करवाएंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो इससे भी वी कार्बोक्सिलिक कृत ब्रोमीनीकरण होगा, जिससे C6H5Br CO2 और AgBr प्राप्त होंगे। तो ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। तो हुंसडीकर अभिक्रिया में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है और उसकी अभिक्रिया किसे करवानी है, डाइब्रोमीन यानी Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, और अंतिम उत्पाद हमें क्या प्राप्त करना है, RBr या ArBr, जैसे कि एल्किल ब्रोमाइड और ये जो ब्रोमो बेंजीन है। अब हम चलते हैं पांचवी अभिक्रिया पर। पांचवी अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया।
और ये बुक्स अभिक्रिय स्टूडेंट्स आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ी होगी। तो बुक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के दो मोल जो होते हैं वो दो मोल सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। यानी जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड के दो मोल सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन को एल्किल हैलाइड से प्राप्त करने की यह विधि है जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जो हमें एल्केन मिल रहा है उस एल्केन में ये जो एल्केन समूह है इसमें कार्बन की जो संख्या है, यानी एल्केन में जो ये कार्बन की संख्या मिल रही है, एल्केन में जो कार्बन है वो एल्किल हैलाइड में एल्किल जो समूह है उसके कार्बन की तुलना में दुगने प्राप्त होते हैं, उनकी तुलना में दुगने प्राप्त होंगे। और यदि हम यहां दो भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड लेते हैं, यदि हम इस अभिक्रिया में दो भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड लेते हैं तो हमें यहां विभिन्न एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहां आर आर प्राप्त हो सकता है, आर आर डैश प्राप्त हो सकता है, आर डैश प्राप्त हो सकता है। तो ये मैंने एक लिया एल्किल हैलाइड और ये दूसरा उससे भिन्न एल्किल हैलाइड लिया। तो यदि दो भिन्न एल्किल हैलाइडों का मिश्रण लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन प्राप्त होंगे। अब पांचवी अभिक्रिया पे चलते हैं जिसका नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। अब ये जो सैंडमायर अभिक्रिया है ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से प्राप्त करने की अभिक्रिया है। और बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड है उसका फॉर्मूला ये है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो देखिए इससे हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड की उपस्थिति में किससे करवाएंगे, HCl से या HBr से। तो क्यूपरस क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl से या क्यूपरस ब्रोमाइड की उपस्थिति में HBr से। तो ये जो Cl है, ये वाला जो Cl है ये N2 को रिप्लेस करके उसकी जगह आएगा। सबसे पहले इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में से हमें N2 को निष्कर्षित करना है, N2 को निकालना है। तो मैंने यहां पर N2 को हटा दिया। अब ये जो Cl है ये Cl इसके इस H के साथ यहां से निकल जाएगा HCl के रूप में और ये वाला Cl N2 की जगह आ जाएगा जिससे हमें यहां पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी। और इसी प्रकार जब हम क्यूपरस ब्रोमाइड और HBr से विक्रिया करवाएंगे तो ये जो Br है ये N2 की जगह आएगा जिससे हमें यहां पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगी और इधर साथ में N2 के साथ HCl प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया है सैंडमायर अभिक्रिया। अब हम देखें गाटरमान अभिक्रिया को, तो गाटरमान अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया की तरह ही है लेकिन इसमें क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड की उपस्थिति नहीं है। क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड के स्थान पर हमें क्या लेना है, कॉपर चूर्ण लेना है। क्या लेना है, कॉपर चूर्ण। जब हम कॉपर चूर्ण लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ और HCl HBr तो हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगी। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, गाटरमान। तो सैंडमायर अभिक्रिया में और गाटरमान अभिक्रिया में थोड़ा सा ही फर्क है। क्या है, सैंडमायर अभिक्रिया में हम क्यूपरस क्लोराइड के साथ क्या लेते हैं, HCl, या क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ क्या लेते हैं, HBr, और गाटरमान में क्या लेते हैं, कॉपर चूर्ण लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आठवीं अभिक्रिया पर जिसका नाम है राशिंग प्रक्रम। राशिंग प्रक्रम जो है ये क्लोरोबेंजीन को बेंजीन से प्राप्त करने की एक औद्योगिक विधि है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब हम बेंजीन
वाष्प की अभिक्रिया, बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया जो है वायु प्लस HCl की वाष्प से करवाते हैं। ये बेंजीन की वाष्प ली मैंने और उसकी अभिक्रिया वायु, वायु में जो ऑक्सीजन है उससे और HCl की वाष्प से, किसकी उपस्थिति में, कॉपर सेकंड क्लोराइड यानी क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये जो Cl है, ये Cl जो है वो बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा जिससे हमें यहां क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी, C6H5Cl प्राप्त होगी, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के साथ साथ देखिए ये H और एक ये H2 और यहां से इसको हाफ और टू लिखेंगे, तो ये हाफ और टू मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु और ये दो हाइड्रोजन जल के रूप में निष्कर्षित हो जाएंगे। इसका मतलब मुख्य उत्पाद हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। तो इस अभिक्रिया का नाम है राशि प्रतरण और ये क्लोरोबेंजीन को बनाने की औद्योगिक विधि है। अब चलते हैं नौवीं अभिक्रिया पर जिसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, दो एरिल हैलाइड के मोल की अभिक्रिया सोडियम धातु की प्रेजेंस, सोडियम धातु के साथ जो ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहां हमें डाइफेनिल या बाइफेनिल प्राप्त होगा, जैसे कि मैं यहां क्लोरोबेंजीन के दो मोल ले रहा हूं और उसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, दो मोल सोडियम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लोरोबेंजीन के दो मोल लिए मैंने और उसकी अभिक्रिया किससे करवाई, सोडियम धातु से, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। तो ये जो दो NaCl है ये यहां से निकल जाएंगे और दो बेंजीन वाले आपस में सिग्मा बंध से जुड़ जाएंगे, जिससे कि हमें यहां पर ये उत्पाद प्राप्त होगा। इस उत्पाद का नाम होगा डाइफेनिल, इस उत्पाद को बोलेंगे हम डाइफेनिल। तो ये जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा, इस उत्पाद का नाम है डाइफेनिल और साथ में दो मोल NaCl, इसको डाइफेनिल या बाइफेनिल कहेंगे। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, दो एरिल हैलाइड के मोल जब दो मोल सोडियम धातु से क्रिया करेंगे ईथर की प्रेजेंस में, तो ये जो अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया के सिमिलर ही है, क्योंकि वुड्स अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम धातु से, लेकिन इसमें हमने एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई है सोडियम धातु से। तो एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु से अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो वो वुड्स अभिक्रिया होती है, और यदि एरिल हैलाइड की जैसे कि क्लोरोबेंजीन के अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है ईथर की प्रेजेंस में, तो उस अभिक्रिया का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन फिटिंग अभिक्रिया से हमें यहां डाइफेनिल या बाइफेनिल प्राप्त होगा और दो बेंजीन वाले आपस में सिग्मा बंध से जुड़ जाते हैं। अब चलते हैं दसवीं अभिक्रिया पर। दसवीं अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। जो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है इसमें क्या करते हैं, एक मोल एल्किल हैलाइड और एक मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया। ये देखिए एक मोल लिया मैंने एल्किल हैलाइड और एक मोल लिया एरिल हैलाइड, जैसे कि C6H5X हैलोबेंजीन, और इनकी अभिक्रिया दो मोल सोडियम धातु से करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में। तो ये जो 2NaX यहां से बाहर निकल जाएगा और हमें उत्पाद मिलेगा RC6H5 या RAR। यदि आप C6H5 की जगह में AR ले लूं तो यहां उत्पाद क्या मिलेगा, RAR, जिसे बोलेंगे एल्किल एरीन या एल्किल बेंजीन। तो इसका उदाहरण यदि हम R की जगह CH रख लें और X की जगह Cl रख लें, तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया कैसे होगी, X की जगह Cl और ये मैंने AR की जगह क्या रख लिया, C6H5। तो ये 2NaCl यहां से बाहर हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3C6H5, इसका नाम है टोलुइन। तो हमें यहां पर उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, टोलुइन यानी मेथिल बेंजीन। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में दोनों ही बातें शामिल है, जैसे वुड्स में तो क्या होता है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है और फिटिंग में क्या होता है एरिल हैलाइड की अभिक्रिया होती है। और ये जो अभिक्रिया है इसमें एक मोल एल्किल हैलाइड लेना होता है और एक मोल एरिल हैलाइड लेना होता है, यानी दो मोल जो है वो अलग अलग रहेंगे, एक एल्किल हैलाइड का और एक एरिल हैलाइड का, इसलिए इसके नाम में दोनों की झलक आती है, वुड्स की झलक भी आती है और फिटिंग की भी झलक आती है। अब हम लास्ट अभिक्रिया पर चलते हैं जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। तो जो उल्मान अभिक्रिया है वो आइडोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने की अभिक्रिया है।
तो देखिए जो कुलमान अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, आइडोबेंजीन के दो मोल की अभिक्रिया जो है वो कॉपर चूर्ण से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? कॉपर चूर्ण से। तो इस दो मोल आइडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण से करवाते हैं तो हमें यहां इस प्रकार से डाइफेनिल प्राप्त होती है। ये हमें यहां डाइफेनिल प्राप्त होती है और साथ में CuI2 क्यूप्रिक आयोडाइड या कॉपर सेकंड आयोडाइड, तो इसका नाम है डाइफेनिल या बाइफेनिल। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की 11 महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाएं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी वीडियो